हाय गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिकन गैंगस्टर 2 मूवी के बारे में। सो गाइस यह जो अमेरिकन गैंगस्टर 2 मूवी है इसका कंफर्म कर दिया गया है कि अमेरिकन गैंगस्टर जो कि 2007 में आई थी उसका एक सीक्वल आना है। एंड यह इसका कोई ऑफिशियल टाइटल तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है एंड इससे रिलेटेड हमें कोई भी कास्टिंग अपडेट या फिर कह सकें कि हमें ऑफिशियली डायरेक्टर्स की अपडेट भी अभी तक नहीं मिली है एंड इसका कोई प्लॉट डिटेल भी अभी तक हमें सामने नहीं आई है। बात करें र्यूमर्स की तो इसका जो सीक्वल है वो 2026 में आने की पूरी पूरी कोशिश है एंड हम मान सकते हैं कि इसका जो सीक्वल है 2007 में भी आ सकता है क्योंकि इसके अभी तक स्टोरी को लेकर कोई भी स्क्रिप्टिंग भी चालू नहीं हुई है। तो पहले स्क्रिप्टिंग एंड देन प्रोस पोस्ट प्रोडक्शन देन शूटिंग, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। एंड अगर हम बात करें इस की प्रीवियस मूवी के बारे में तो इससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि इस जो अमेरिकन गैंगस्टर 2 मूवी है इसकी कहानी क्या होने वाली है या फिर हमें इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल सकती हैं। एंड अमेरिकन गैंगस्टर जो मूवी थी वो 2007 की एक अमेरिकन बायोग्राफिक मूवी थी जो कि एक क्राइम पर हमें फोकस करती हुई दिखती है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट एंड उन्हीं ने इसे प्रोड्यूस किया है। इसकी जो स्टोरी है वो स्टीवन जैलियन ने लिखी है। यह जो फिल्म है वो फ्रैंक ल्यूकस की एक क्राइम करियर पर आधारित है एंड जो कि ला ग्रेन्स नॉर्थ कैरोलिना का एक गैंगस्टर है एंड यह वियतनाम वॉर से लौट रहे हैं एंड अमेरिकन जो सेवा विमान है उन पर हेरोइन की तस्करी करता था इससे पहले कि उसे न्यूयॉर्क के जासूस रिची रॉबर्ट्स के जो लीडरशिप में काम करने वाली एक टास्क फोर्स के द्वारा हिरासत में लिया गया यानी कि उसे कैप्चर कर लिया गया। फिल्म में डेंजल वॉशिंगटन एंड रसेल क्रो ने मेन कैरेक्टर्स को प्ले किया है। साथ ही उनके साथ में कई सारे को एक्टर जैसे टैड लेवन जॉन ऑर्टेज जॉश ब्रैलन चिविटल एजियोफोर एंड रूबी डी लाइमरी नडाल और क्यूबा गुडिंग जूनियर भी शामिल हैं। एंड इसकी जो कहानी है वो इस गैंगस्टर के आसपास ही घूमती है एंड इसी के कारण इस मूवी का नाम भी अमेरिकन गैंगस्टर रखा गया है। तो अगर हम बात करें इस मूवी की मेन डिटेल्स के बारे में तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट एंड इसकी जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो स्टीवन जैलियन ने लिखा है एंड यह मूवी मार्क जैकबसन के द्वारा बनाए गए द रिटर्न ऑफ सुपरफ्लाई एक आर्टिकल पर बेस्ड है। एंड इसमें हमें मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं रसेल क्रो एंड डेंजल वॉशिंगटन, इनके साथ चिटेवेल एजियोफोर क्यूबा गुडिंग जूनियर जॉश ब्रैलन टैड लेवन एंड अरमांड अंसाटे सांटे एंड जॉन ऑर्टिस जॉन हॉक्स अर्जेडे ये हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर की तो वो हैं हैरिस सवीडे एंड इस मूवी की जो मेन प्रोडक्शन कंपनीज है वो हैं इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट स्कॉट डी प्रोडक्शन एंड इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो है यूनिवर्सल पिक्चर्स। इसकी जो रिलीज डेट है वो यूएसए में रही है 2 नवंबर 2007 एंड इस करंट टाइम रहा है 157 मिनट्स का। इसमें इसकी मेन शूटिंग हमें यूएसए में ही हुई एंड बजट इसका था $100 मिलियन एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे $269 मिलियन। इस फिल्म का जो डेवलपमेंट है वो 2000 में शुरू हुआ था यानी कि देख सकते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के 7 साल पहले जब यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट ने ल्यूकस के उत्थान और पतन के बारे में न्यूयॉर्क पत्रिका की कहानी के अधिकार खरीदे थे यानी राइट्स खरीदे थे उन्होंने। 2 साल बाद इसकी जो स्क्रीन प्ले है उसको एक राइटर स्टीवन जैलियन ने स्कॉट को 170 पेजेस की प्लॉट डिटेल्स मतलब कहें स्क्रीन प्ले
उसके सामने प्रस्तुत किया एंड इसकी जो मेन प्रोडक्शन है उसकी जो प्लान्स हैं वो बजट के उद्देश्यों के लिए टोरंटो में शुरू होनी थी। हालांकि उत्पादन लास्टली इसका जो प्रोडक्शन है वो लास्टली तो न्यूयॉर्क शहर के एक स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया एंड फिल्म के बढ़ते बजट के कारण यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इसे 2004 में ही इसके प्रोडक्शन को रद्द कर दिया। टेरी जॉर्ज के साथ बातचीत के बाद इसे बाद में मार्च 2005 में स्कॉट के साथ इसे फिर से बनाया जाने लगा एंड इसकी मेन शूटिंग जो है जुलाई से दिसंबर 2006 तक 5 मंथ तक इसकी शूटिंग चली एंड इसकी जो शूटिंग है वो न्यूयॉर्क शहर में हुई एंड थाईलैंड में इसकी शूटिंग एंड हुई थी। अमेरिकन गैंगस्टर का प्रीमियम 20 अक्टूबर 2007 को न्यूयॉर्क में हुआ था एंड इसे 2 नवंबर को यूएसए में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जो है क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड इसने इसी के कारण दुनिया भर में $266 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट्स और ल्यूकस के सहित कई लोगों ने कहा कि फिल्म के जो कहानी है स्टोरी है उसके साथ बहुत अधिक हमें क्रिएटिव इंडिपेंडेंस मिलती है एंड 3 जो पूर्व DEA एजेंट हैं उसको यूनिवर्सल पर मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया था कि एजेंसी का जो चित्रण है वो एजेंसी को गिराने के लिए उन्होंने ऐसी मूवी बनाई है यानी कि उसके इमेज को गिराने के लिए एंड अमेरिकन गैंगस्टर को 21 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था जिसमें रूबी डी के लिए सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट कल्चर डायरेक्शन बेस्ट को एक्ट्रेस के लिए 2 ऑस्कर में उनके नॉमिनेशन दिए गए थे जिन्होंने को एक्टर की भूमिका के लिए एक महिला अभिनेता के द्वारा बेस्ट प्रदर्शन किया और स्क्रीन एस्ट्रल गिल अवार्ड भी जीता। तो यही थी इस मूवी की कहानी। टाइटल तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है एंड इससे रिलेटेड हमें कोई भी कास्टिंग अपडेट या फिर कह सकें कि हमें ऑफिशियली डायरेक्टर्स की अपडेट भी अभी तक नहीं मिली है एंड इसका कोई प्लॉट डिटेल भी अभी तक हमें सामने नहीं आई है। बात करें र्यूमर्स की तो इसका जो सीक्वल है वो 2026 में आने की पूरी पूरी कोशिश है एंड हम मान सकते हैं कि इसका जो सीक्वल है 2007 में भी आ सकता है क्योंकि इसके अभी तक स्टोरी को लेकर कोई भी स्क्रिप्टिंग भी चालू नहीं हुई है। तो पहले स्क्रिप्टिंग एंड देन प्रोस पोस्ट प्रोडक्शन देन शूटिंग तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। एंड अगर हम बात करें इस की प्रीवियस मूवी के बारे में तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इस जो अमेरिकन गैंगस्टर 2 मूवी है इसकी कहानी क्या होने वाली है या फिर हमें इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल सकती हैं। एंड अमेरिकन गैंगस्टर जो मूवी थी वो 2007 की एक अमेरिकन बायोग्राफिक मूवी थी जो कि एक क्राइम पर हमें फोकस करती हुई दिखती है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट एंड उन्हीं ने इसे प्रोड्यूस किया है। इसकी जो स्टोरी है वो स्टीवन जैलियन ने लिखी है। यह जो फिल्म है वो फ्रैंक ल्यूकस की एक क्राइम करियर पर आधारित है एंड जो कि ला ग्रेन्स नॉर्थ कैरोलिना का एक गैंगस्टर है एंड यह वियतनाम वॉर से लौट रहे हैं एंड अमेरिकन जो सेवा विमान है उन पर हेरोइन की तस्करी करता था इससे पहले कि उसे न्यूयॉर्क के जासूस रिची रॉबर्ट्स के जो लीडरशिप में काम करने वाली एक टास्क फोर्स के द्वारा हिरासत में लिया गया यानी कि उसे कैप्चर कर लिया गया। फिल्म में डेंजल वॉशिंगटन एंड रसेल क्रो ने मेन कैरेक्टर्स को प्ले किया है। साथ ही उनके साथ में कई सारे को एक्टर जैसे टैड लेवन जॉन ऑर्टेज जॉश ब्रैलन चिविटल एजियोफोर एंड रूबी डी लाइमरी नडाल और क्यूबा गुडिंग जूनियर भी शामिल हैं। एंड इसकी जो कहानी है वो इस गैंगस्टर के आसपास ही घूमती है एंड इसी के कारण इस मूवी का नाम भी अमेरिकन गैंगस्टर रखा गया है।
तो अगर हम बात करें इस मूवी की मेन डिटेल्स के बारे में, तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट, एंड इसकी जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो स्टीवन जैलियन ने लिखा है। एंड यह मूवी मार्क जैकबसन के द्वारा बनाए गए द रिटर्न ऑफ सुपरफ्लाई एक आर्टिकल पर बेस्ड है। एंड इसमें हमें मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं रसेल क्रो एंड डैनजल वॉशिंगटन, इनके साथ चिटेवेल एजियोफोर, क्यूबा गुडिंग जूनियर, जॉश ब्रालेन, टेड लेविन एंड अरमान अंसाटे एंड जॉन ऑर्टिस, जॉन हॉक्स, अर्जेडे, ये हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर की, तो वो हैं हैरिस सवीडे। एंड इस मूवी की जो मेन प्रोडक्शन कंपनीज है वो हैं इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट, स्कॉट डी प्रोडक्शन, एंड इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो है यूनिवर्सल पिक्चर्स। इसकी जो रिलीज डेट है वो यूएसए में रही है 2 नवंबर 2007, एंड इसका रन टाइम रहा है 157 मिनट्स का। इसमें इसकी मेन शूटिंग हमें यूएसए में ही हुई, एंड बजट इसका था $100 मिलियन, एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे $269 मिलियन। इस फिल्म का जो डेवलपमेंट है वो 2000 में शुरू हुआ था, यानी कि देख सकते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के 7 साल पहले, जब यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट ने लूकस के उत्थान और पतन के बारे में न्यूयॉर्क पत्रिका की कहानी के अधिकार खरीदे थे, यानी राइट्स खरीदे थे उन्होंने। 2 साल बाद इसकी जो स्क्रीन प्ले है उसको एक राइटर स्टीवन जैलियन ने स्कॉट को 170 पेजेस की प्लॉट डिटेल्स, मतलब कहें स्क्रीन प्ले, उसके सामने प्रस्तुत किया। एंड इसकी जो मेन प्रोडक्शन है उसकी जो प्लान्स हैं वो बजट के उद्देश्यों के लिए टोरंटो में शुरू होनी थी, हालांकि उत्पादन लास्टली इसका जो प्रोडक्शन है वो लास्टली तो न्यूयॉर्क शहर के एक स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया। एंड फिल्म के बढ़ते बजट के कारण यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इसे 2004 में ही इसके प्रोडक्शन को रद्द कर दिया। टेरी जॉर्ज के साथ बातचीत के बाद इसे बाद में मार्च 2005 में स्कॉट के साथ इसे फिर से बनाया जाने लगा। एंड इसकी मेन शूटिंग जो है जुलाई से दिसंबर 2006 तक 5 मंथ्स तक इसकी शूटिंग चली। एंड इसकी जो शूटिंग है वो न्यूयॉर्क शहर में हुई, एंड थाईलैंड में इसकी शूटिंग एंड हुई थी। अमेरिकन गैंगस्टर का प्रीमियम 20 अक्टूबर 2007 को न्यूयॉर्क में हुआ था, एंड इसे 2 नवंबर को यूएसए में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जो है क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले, एंड इसने इसी के कारण दुनिया भर में $266 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट्स और ल्यूकस के सहित कई लोगों ने कहा कि फिल्म के जो कहानी है, स्टोरी है, उसके साथ बहुत अधिक हमें क्रिएटिव इंडिपेंडेंस मिलती है। एंड 3 जो पूर्व DEA एजेंट हैं उसको यूनिवर्सल पर मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया था कि एजेंसी का जो चित्रण है वो एजेंसी को गिराने के लिए उन्होंने ऐसी मूवी बनाई है, यानी कि उसके इमेज को गिराने के लिए। एंड अमेरिकन गैंगस्टर को 21 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, जिसमें रूबी डी के लिए सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट कल्चर डायरेक्शन, बेस्ट को एक्ट्रेस के लिए 2 ऑस्कर में उनके नॉमिनेशन दिए गए थे, जिन्हें उन्हें को एक्टर की भूमिका के लिए एक महिला अभिनेता के द्वारा बेस्ट प्रदर्शन किया, और स्क्रीन एस्टल गिल अवार्ड भी जीता। तो यही थी इस मूवी की कहानी। टाइटल तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, एंड इससे रिलेटेड हमें कोई भी कास्टिंग अपडेट या फिर कह सकें कि हमें ऑफिशियली डायरेक्टर्स की अपडेट भी अभी तक नहीं मिली है, एंड इसका कोई प्लॉट डिटेल भी अभी तक हमें सामने नहीं आई है। बात करें र्यूमर्स की, तो इसका जो सीक्वल है वो 2026 में आने की पूरी कोशिश है, एंड हम मान सकते हैं कि इसका जो सीक्वल है 2007 में
भी आ सकता है, क्योंकि इसके अभी तक स्टोरी को लेकर कोई भी स्क्रिप्टिंग भी चालू नहीं हुई है। तो पहले स्क्रिप्टिंग एंड देन प्रोस पोस्ट प्रोडक्शन देन शूटिंग, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। एंड अगर हम बात करें इस की प्रीवियस मूवी के बारे में, तो इससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि इस जो अमेरिकन गैंगस्टर 2 मूवी है, इसकी कहानी क्या होने वाली है, या फिर हमें इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल सकती हैं। एंड अमेरिकन गैंगस्टर जो मूवी थी वो 2007 की एक अमेरिकन बायोग्राफिक मूवी थी, जो कि एक क्राइम पर हमें फोकस करती हुई दिखती है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट, एंड उन्हीं ने इसे प्रोड्यूस किया है। इसकी जो स्टोरी है वो स्टीवन जैलियन ने लिखी है। यह जो फिल्म है वो फ्रैंक ल्यूकस की एक क्राइम करियर पर आधारित है, एंड जो कि ला ग्रेन्स नॉर्थ कैरोलिना का एक गैंगस्टर है, एंड यह वियतनाम वॉर से लौट रहे हैं, एंड अमेरिकन जो सेवा विमान है उन पर हेरोइन की तस्करी करता था, इससे पहले कि उसे न्यूयॉर्क के जासूस रिची रॉबर्ट्स के जो लीडरशिप में काम करने वाली एक टास्क फोर्स के द्वारा हिरासत में लिया गया, यानी कि उसे कैप्चर कर लिया गया। फिल्म में डेंजल वॉशिंगटन एंड रसेल क्रो ने मेन कैरेक्टर्स को प्ले किया है, साथ ही उनके साथ में कई सारे को एक्टर्स जैसे टैड लेविन, जॉन ऑर्टेज, जॉश ब्रैलन, शिवेटल एजियोफोर एंड रूबी डी, लाई मरी नडाल और क्यूबा गुडिंग जूनियर भी शामिल हैं। एंड इसकी जो कहानी है वो इस गैंगस्टर के आसपास ही घूमती है, एंड इसी के कारण इस मूवी का नाम भी अमेरिकन गैंगस्टर रखा गया है। तो अगर हम बात करें इस मूवी की मेन डिटेल्स के बारे में, तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट, एंड इसकी जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो स्टीवन जैलियन ने लिखा है। एंड यह मूवी मार्क जैकबसन के द्वारा बनाए गए द रिटर्न ऑफ सुपरफ्लाई एक आर्टिकल पर बेस्ड है। एंड इसमें हमें मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं रसेल क्रो एंड डेंजल वॉशिंगटन, इनके साथ चिटेवेल एजियोफोर, क्यूबा गुडिंग जूनियर, जॉश ब्रैलन, टैड लेविन एंड अरमान अंसाटे सांटे एंड जॉन ऑर्टिस, जॉन हॉक्स अर्जेडे, ये हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर की, तो वो हैं हैरिस सवीडे, एंड इस मूवी की जो मेन प्रोडक्शन कंपनीज है वो हैं इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट, स्कॉट डी प्रोडक्शन, एंड इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो है यूनिवर्सल पिक्चर्स। इसकी जो रिलीज डेट है वो यूएसए में रही है 2 नवंबर 2007, एंड इस करंट टाइम रहा है 157 मिनट्स का। इसमें इसकी मेन शूटिंग हमें यूएसए में ही हुई, एंड बजट इसका था $100 मिलियन, एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे $269 मिलियन। इस फिल्म का जो डेवलपमेंट है वो 2000 में शुरू हुआ था, यानी कि देख सकते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के 7 साल पहले, जब यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट ने ल्यूकस के उत्थान और पतन के बारे में न्यूयॉर्क पत्रिका की कहानी के अधिकार खरीदे थे, यानी राइट्स खरीदे थे उन्होंने। 2 साल बाद इसकी जो स्क्रीन प्ले है उसको एक राइटर स्टीवन जैलियन ने स्कॉट को 170 पेजेस की प्लॉट डिटेल्स, मतलब कहें स्क्रीन प्ले, उसके सामने प्रस्तुत किया। एंड इसकी जो मेन प्रोडक्शन है उसकी जो प्लान्स हैं वो बजट के उद्देश्यों के लिए टोरंटो में शुरू होनी थी, हालांकि उत्पादन लास्टली इसका जो प्रोडक्शन है वो लास्टली तो न्यूयॉर्क शहर के एक स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया। एंड फिल्म के बढ़ते बजट के कारण यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इसे 2004 में ही इसके प्रोडक्शन को रद्द कर दिया। टेरी जॉर्ज के साथ बातचीत के बाद इसे बाद में मार्च 2005 में स्कॉट के साथ इसे फिर से बनाया जाने लगा। एंड इसकी मेन शूटिंग जो है जुलाई से दिसंबर 2006 तक 5 मंथ तक इसकी शूटिंग चली, एंड इसकी जो शूटिंग है वो न्यूयॉर्क शहर में हुई।
एंड थाईलैंड में इसकी शूटिंग एंड हुई थी। अमेरिकन गैंगस्टर का प्रीमियम 20 अक्टूबर 2007 को न्यूयॉर्क में हुआ था एंड इसे 2 नवंबर को यूएसए में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जो है क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड इसने इसी के कारण दुनिया भर में $266 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट्स और ल्यूकस के सहित कई लोगों ने कहा कि फिल्म के जो कहानी है, स्टोरी है, उसके साथ बहुत अधिक हमें क्रिएटिव इंडिपेंडेंस मिलती है एंड 3 जो पूर्व DEA एजेंट हैं उसको यूनिवर्सल पर मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया था कि एजेंसी का जो चित्रण है वो एजेंसी को गिराने के लिए उन्होंने ऐसी मूवी बनाई है, यानी कि उसके इमेज को गिराने के लिए। एंड अमेरिकन गैंगस्टर को 21 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था जिसमें रूबी डी के लिए सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट कल्चर डायरेक्शन, बेस्ट को एक्ट्रेस के लिए 2 ऑस्कर में उनके नॉमिनेशन दिए गए थे जिन्हें उन्हें को एक्टर की भूमिका के लिए एक महिला अभिनेता के द्वारा बेस्ट प्रदर्शन किया और स्क्रीन एस्टल गिल अवार्ड भी जीता। तो यही थी इस मूवी की कहानी। टाइटल तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है एंड इससे रिलेटेड हमें कोई भी कास्टिंग अपडेट या फिर कह सकें कि हमें ऑफिशियली डायरेक्टर्स की अपडेट भी अभी तक नहीं मिली है एंड इसका कोई प्लॉट डिटेल भी अभी तक हमें सामने नहीं आई है। बात करें र्यूमर्स की तो इसका जो सीक्वल है वो 2026 में आने की पूरी पूरी कोशिश है एंड हम मान सकते हैं कि इसका जो सीक्वल है 2007 में भी आ सकता है क्योंकि इसके अभी तक स्टोरी को लेकर कोई भी स्क्रिप्टिंग भी चालू नहीं हुई है। तो पहले स्क्रिप्टिंग एंड देन प्रोस पोस्ट प्रोडक्शन देन शूटिंग, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। एंड अगर हम बात करें इस की प्रीवियस मूवी के बारे में तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इस जो अमेरिकन गैंगस्टर 2 मूवी है इसकी कहानी क्या होने वाली है या फिर हमें इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल सकती हैं। एंड अमेरिकन गैंगस्टर जो मूवी थी वो 2007 की एक अमेरिकन बायोग्राफिक मूवी थी जो कि एक क्राइम पर हमें फोकस करती हुई दिखती है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट एंड उन्हीं ने इसे प्रोड्यूस किया है। इसकी जो स्टोरी है वो स्टीवन जैलियन ने लिखी है। यह जो फिल्म है वो फ्रैंक ल्यूकस की एक क्राइम करियर पर आधारित है एंड जो कि ला ग्रेन्स नॉर्थ कैरोलिना का एक गैंगस्टर है एंड यह वियतनाम वॉर से लौट रहे हैं एंड अमेरिकन जो सेवा विमान है उन पर हेरोइन की तस्करी करता था इससे पहले कि उसे न्यूयॉर्क के जासूस रिची रॉबर्ट्स के जो लीडरशिप में काम करने वाली एक टास्क फोर्स के द्वारा हिरासत में लिया गया, यानी कि उसे कैप्चर कर लिया गया। फिल्म में डेंजेल वॉशिंगटन एंड रसेल क्रो ने मेन कैरेक्टर्स को प्ले किया है। साथ ही उनके साथ में कई सारे को एक्टर जैसे टैड लेवन, जॉन ऑर्टेज, जॉश ब्रैलन, चिविटल एजियोफोर एंड रूबी डी, लाई मरी नडाल और क्यूबा गुडिंग जूनियर भी शामिल हैं। एंड इसकी जो कहानी है वो इस गैंगस्टर के आसपास ही घूमती है एंड इसी के कारण इस मूवी का नाम भी अमेरिकन गैंगस्टर रखा गया है। तो अगर हम बात करें इस मूवी की मेन डिटेल्स के बारे में तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट एंड इसकी जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो स्टीवन जैलियन ने लिखा है एंड यह मूवी मार्क जैकबसन के द्वारा बनाए गए द रिटर्न ऑफ सुपरफ्लाई एक आर्टिकल पर बेस्ड है एंड इसमें हमें मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं रसेल क्रो एंड डेंजल वॉशिंगटन, इनके साथ चिटेवेल एजियोफोर, क्यूबा गुडिंग जूनियर, जॉश ब्रैलन, टैड लेवन एंड अरमान अंसाटे सांटे एंड जॉन ऑर्टिस, जॉन हॉक्स, अर्जेडे, ये हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं।
एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर की तो वो हैं हैरिस सवीडे। एंड इस मूवी की जो मेन प्रोडक्शन कंपनीज है वो हैं इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट, स्कॉट डी प्रोडक्शन, एंड इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो है यूनिवर्सल पिक्चर्स। इसकी जो रिलीज डेट है वो यूएसए में रही है 2 नवंबर 2007, एंड इसका रन टाइम रहा है 157 मिनट्स का। इसमें इसकी मेन शूटिंग हमें यूएसए में ही हुई, एंड बजट इसका था $100 मिलियन, एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे $269 मिलियन। इस फिल्म का जो डेवलपमेंट है वो 2000 में शुरू हुआ था, यानी कि देख सकते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के 7 साल पहले, जब यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट ने लूकस के उत्थान और पतन के बारे में न्यूयॉर्क पत्रिका की कहानी के अधिकार खरीदे थे, यानी राइट्स खरीदे थे उन्होंने। 2 साल बाद इसकी जो स्क्रीन प्ले है उसको एक राइटर स्टीवन जैलियन ने स्कॉट को 170 पेजेस की प्लॉट डिटेल्स, मतलब कहें स्क्रीन प्ले, उसके सामने प्रस्तुत किया। एंड इसकी जो मेन प्रोडक्शन है उसकी जो प्लान्स हैं वो बजट के उद्देश्यों के लिए टोरंटो में शुरू होनी थी, हालांकि उत्पादन लास्टली इसका जो प्रोडक्शन है वो लास्टली तो न्यूयॉर्क शहर के एक स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया। एंड फिल्म के बढ़ते बजट के कारण यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इसे 2004 में ही इसके प्रोडक्शन को रद्द कर दिया। टेरी जॉर्ज के साथ बातचीत के बाद इसे बाद में मार्च 2005 में स्कॉट के साथ इसे फिर से बनाया जाने लगा। एंड इसकी मेन शूटिंग जो है जुलाई से दिसंबर 2006 तक 5 मंथ्स तक इसकी शूटिंग चली। एंड इसकी जो शूटिंग है वो न्यूयॉर्क शहर में हुई, एंड थाईलैंड में इसकी शूटिंग एंड हुई थी। अमेरिकन गैंगस्टर का प्रीमियम 20 अक्टूबर 2007 को न्यूयॉर्क में हुआ था, एंड इसे 2 नवंबर को यूएसए में रिलीज किया गया था। फिल्म को जो है क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले, एंड इसने इसी के कारण दुनिया भर में $266 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट्स और ल्यूकस के सहित कई लोगों ने कहा कि फिल्म के जो कहानी है, स्टोरी है, उसके साथ बहुत अधिक हमें क्रिएटिव इंडिपेंडेंस मिलती है। एंड 3 जो पूर्व DEA एजेंट हैं उसको यूनिवर्सल पर मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया था कि एजेंसी का जो चित्रण है वो एजेंसी को गिराने के लिए उन्होंने ऐसी मूवी बनाई है, यानी कि उसके इमेज को गिराने के लिए। एंड अमेरिकन गैंगस्टर को 21 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, जिसमें रूबी डी के लिए सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट कल्चर डायरेक्शन, बेस्ट को एक्ट्रेस के लिए 2 ऑस्कर में उनके नॉमिनेशन दिए गए थे, जिन्हें उन्हें को एक्टर की भूमिका के लिए एक महिला अभिनेता के द्वारा बेस्ट प्रदर्शन किया, और स्क्रीन एस्टल गिल अवार्ड भी जीता। तो यही थी इस मूवी की कहानी। टाइटल तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, एंड इससे रिलेटेड हमें कोई भी कास्टिंग अपडेट या फिर कह सकें कि हमें ऑफिशियली डायरेक्टर्स की अपडेट भी अभी तक नहीं मिली है, एंड इसका कोई प्लॉट डिटेल भी अभी तक हमें सामने नहीं आई है। बात करें र्यूमर्स की तो इसका जो सीक्वल है वो 2026 में आने की पूरी पूरी कोशिश है, एंड हम मान सकते हैं कि इसका जो सीक्वल है 2007 में भी आ सकता है, क्योंकि इसके अभी तक स्टोरी को लेकर कोई भी स्क्रिप्टिंग भी चालू नहीं हुई है। तो पहले स्क्रिप्टिंग एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन देन शूटिंग, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। एंड अगर हम बात करें इस की प्रीवियस मूवी के बारे में, तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इस जो अमेरिकन गैंगस्टर 2 मूवी है इसकी कहानी क्या होने वाली है, या फिर हमें इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल सकती हैं। एंड अमेरिकन गैंगस्टर जो मूवी थी वो 2007 की एक अमेरिकन बायोग्राफिक मूवी थी, जो कि एक क्राइम पर हमें फोकस करती हुई दिखती है।
इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट, एंड उन्हीं ने इसे प्रोड्यूस किया है। इसकी जो स्टोरी है वो स्टीवन जैलियन ने लिखी है। यह जो फिल्म है वो फ्रैंक ल्यूकस की एक क्राइम करियर पर आधारित है, एंड जो कि ला ग्रेन्स नॉर्थ कैरोलिना का एक गैंगस्टर है, एंड यह वियतनाम वॉर से लौट रहे हैं, एंड अमेरिकन जो सेवा विमान है उन पर हेरोइन की तस्करी करता था। इससे पहले कि उसे न्यूयॉर्क के जासूस रिची रॉबर्ट्स के जो लीडरशिप में काम करने वाली एक टास्क फोर्स के द्वारा हिरासत में लिया गया, यानी कि उसे कैप्चर कर लिया गया। फिल्म में डेंजल वॉशिंगटन एंड रसेल क्रो ने मेन कैरेक्टर्स को प्ले किया है, साथ ही उनके साथ में कई सारे को एक्टर जैसे टैड लेवन, जॉन ऑर्टेज, जॉश ब्रैलन, चिविटल एजियोफोर एंड रूबी डी, लाई मरी नडाल और क्यूबा गुडिंग जूनियर भी शामिल हैं। एंड इसकी जो कहानी है वो इस गैंगस्टर के आसपास ही घूमती है, एंड इसी के कारण इस मूवी का नाम भी अमेरिकन गैंगस्टर रखा गया है। तो अगर हम बात करें इस मूवी की मेन डिटेल्स के बारे में, तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट, एंड इसकी जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो स्टीवन जैलियन ने लिखा है, एंड यह मूवी मार्क जैकबसन के द्वारा बनाए गए द रिटर्न ऑफ सुपरफ्लाई एक आर्टिकल पर बेस्ड है। एंड इसमें हमें मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं रसेल क्रो एंड डेंजल वॉशिंगटन, इनके साथ चिटेवेल एजियोफोर, क्यूबा गुडिंग जूनियर, जॉश ब्रैलन, टैड लेवन एंड अरमान अंसाटे सांटे एंड जॉन ऑर्टिस, जॉन हॉक्स अर्जेडे, ये हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर की, तो वो हैं हैरिस सवीडे, एंड इस मूवी की जो मेन प्रोडक्शन कंपनीज है वो हैं इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट, स्कॉट डी प्रोडक्शन, एंड इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो है यूनिवर्सल पिक्चर्स। इसकी जो रिलीज डेट है वो यूएसए में रही है 2 नवंबर 2007, एंड इस करंट टाइम रहा है 157 मिनट्स का। इसमें इसकी मेन शूटिंग हमें यूएसए में ही हुई, एंड बजट इसका था $100 मिलियन, एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे $269 मिलियन। इस फिल्म का जो डेवलपमेंट है वो 2000 में शुरू हुआ था, यानी कि देख सकते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के 7 साल पहले, जब यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट ने ल्यूकस के उत्थान और पतन के बारे में न्यूयॉर्क पत्रिका की कहानी के अधिकार खरीदे थे, यानी राइट्स खरीदे थे उन्होंने। 2 साल बाद इसकी जो स्क्रीन प्ले है उसको एक राइटर स्टीवन जैलियन ने स्कॉट को 170 पेजेस की प्लॉट डिटेल्स, मतलब कहें स्क्रीन प्ले, उसके सामने प्रस्तुत किया। एंड इसकी जो मेन प्रोडक्शन है उसकी जो प्लान्स हैं वो बजट के उद्देश्यों के लिए टोरंटो में शुरू होनी थी, हालांकि उत्पादन लास्टली इसका जो प्रोडक्शन है वो लास्टली तो न्यूयॉर्क शहर के एक स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया। एंड फिल्म के बढ़ते बजट के कारण यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इसे 2004 में ही इसके प्रोडक्शन को रद्द कर दिया। टेरी जॉर्ज के साथ बातचीत के बाद इसे बाद में मार्च 2005 में स्कॉट के साथ इसे फिर से बनाया जाने लगा, एंड इसकी मेन शूटिंग जो है जुलाई से दिसंबर 2006 तक 5 मंथ तक इसकी शूटिंग चली, एंड इसकी जो शूटिंग है वो न्यूयॉर्क शहर में हुई, एंड थाईलैंड में इसकी शूटिंग एंड हुई थी। अमेरिकन गैंगस्टर का प्रीमियम 20 अक्टूबर 2007 को न्यूयॉर्क में हुआ था, एंड इसे 2 नवंबर को यूएसए में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जो है क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले, एंड इसने इसी के कारण दुनिया भर में $266 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट्स और ल्यूकस के सहित कई लोगों ने कहा कि फिल्म के जो कहानी है, स्टोरी है, उसके साथ बहुत अधिक हमें क्रिएटिव इंडिपेंडेंस मिलती है। एंड 3 जो पूर्व DEA एजेंट हैं
उसको यूनिवर्सल पर मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया था कि एजेंसी का जो चित्रण है वो यूनिवर्सिटी एजेंसी को गिराने के लिए उन्होंने ऐसी मूवी बनाई है, यानी कि उसके इमेज को गिराने के लिए। एंड अमेरिकन गैंगस्टर को 21 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, जिसमें रूबी डी के लिए सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट कल्चर डायरेक्शन, बेस्ट को एक्ट्रेस के लिए 2 ऑस्कर में उनके नॉमिनेशन दिए गए थे, जिन्हें उन्हें को एक्टर की भूमिका के लिए एक महिला अभिनेता के द्वारा बेस्ट प्रदर्शन किया और स्क्रीन एस्टल गिल अवार्ड भी जीता। तो यही थी इस मूवी की कहानी। टाइटल तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, एंड इससे रिलेटेड हमें कोई भी कास्टिंग अपडेट या फिर कह सकें कि हमें ऑफिशियली डायरेक्टर्स की अपडेट भी अभी तक नहीं मिली है, एंड इसका कोई प्लॉट डिटेल भी अभी तक हमें सामने नहीं आई है। बात करें र्यूमर्स की, तो इसका जो सीक्वल है वो 2026 में आने की पूरी पूरी कोशिश है, एंड हम मान सकते हैं कि इसका जो सीक्वल है 2007 में भी आ सकता है, क्योंकि इसके अभी तक स्टोरी को लेकर कोई भी स्क्रिप्टिंग भी चालू नहीं हुई है। तो पहले स्क्रिप्टिंग एंड देन प्रोस पोस्ट प्रोडक्शन देन शूटिंग, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। एंड अगर हम बात करें इस की प्रीवियस मूवी के बारे में, तो इससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि इस जो अमेरिकन गैंगस्टर 2 मूवी है, इसकी कहानी क्या होने वाली है या फिर हमें इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल सकती हैं। एंड अमेरिकन गैंगस्टर जो मूवी थी वो 2007 की एक अमेरिकन बायोग्राफिक मूवी थी, जो कि एक क्राइम पर हमें फोकस करती हुई दिखती है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट, एंड उन्हीं ने इसे प्रोड्यूस किया है। इसकी जो स्टोरी है वो स्टीवन जैलियन ने लिखी है। यह जो फिल्म है वो फ्रैंक ल्यूकस की एक क्राइम करियर पर आधारित है, एंड जो कि ला ग्रेन्स नॉर्थ कैरोलिना का एक गैंगस्टर है, एंड यह वियतनाम वॉर से लौट रहे हैं, एंड अमेरिकन जो सेवा विमान है उन पर हेरोइन की तस्करी करता था, इससे पहले कि उसे न्यूयॉर्क के जासूस रिची रॉबर्ट्स के जो लीडरशिप में काम करने वाली एक टास्क फोर्स के द्वारा हिरासत में लिया गया, यानी कि उसे कैप्चर कर लिया गया। फिल्म में डेंजल वॉशिंगटन एंड रसेल क्रो ने मेन कैरेक्टर्स को प्ले किया है, साथ ही उनके साथ में कई सारे को एक्टर जैसे टैड लेवन, जॉन ऑर्टेज, जॉश ब्रैलन, चिविटल एजियोफोर एंड रूबी डी, लाइव मरी नडाल और क्यूबा गुडिंग जूनियर भी शामिल हैं। एंड इसकी जो कहानी है वो इस गैंगस्टर के आसपास ही घूमती है, एंड इसी के कारण इस मूवी का नाम भी अमेरिकन गैंगस्टर रखा गया है। तो अगर हम बात करें इस मूवी की मेन डिटेल्स के बारे में, तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट, एंड इसकी जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो स्टीवन जैलियन ने लिखा है, एंड यह मूवी मार्क जैकबसन के द्वारा बनाए गए द रिटर्न ऑफ सुपरफ्लाई एक आर्टिकल पर बेस्ड है। एंड इसमें हमें मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं रसेल क्रो एंड डेंजल वॉशिंगटन, इनके साथ चिटेवेल एजियोफोर, क्यूबा गुडिंग जूनियर, जॉश ब्रैलन, टैड लेवन एंड अरमान अंसाटे सांटे एंड जॉन ऑर्टिस, जॉन हॉक्स अर्जेडे, ये हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर की, तो वो हैं हैरिस सवीडे, एंड इस मूवी की जो मेन प्रोडक्शन कंपनीज है वो हैं इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट, स्कॉट डी प्रोडक्शन, एंड इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो है यूनिवर्सल पिक्चर्स। इसकी जो रिलीज डेट है वो यूएसए में रही है 2 नवंबर 2007, एंड इस करंट टाइम रहा है 157 मिनट्स का। इसमें इसकी मेन शूटिंग हमें यूएसए में ही हुई, एंड बजट इसका था $100 मिलियन, एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे $269 मिलियन। इस फिल्म का जो
डेवलपमेंट है वो 2000 में शुरू हुआ था, यानी कि देख सकते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के 7 साल पहले, जब यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट ने ल्यूकस के उत्थान और पतन के बारे में न्यूयॉर्क पत्रिका की कहानी के अधिकार खरीदे थे, यानी राइट्स खरीदे थे उन्होंने। 2 साल बाद इसकी जो स्क्रीन प्ले है उसको एक राइटर स्टीवन जेलियन ने स्कॉट को 170 पेजेस की प्लॉट डिटेल्स, मतलब कहें स्क्रीन प्ले, उसके सामने प्रस्तुत किया। एंड इसकी जो मेन प्रोडक्शन है उसकी जो प्लान्स हैं वो बजट के उद्देश्यों के लिए टोरंटो में शुरू होनी थी, हालांकि उत्पादन लास्टली इसका जो प्रोडक्शन है वो लास्टली तो न्यूयॉर्क शहर के एक स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया। एंड फिल्म के बढ़ते बजट के कारण यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इसे 2004 में ही इसके प्रोडक्शन को रद्द कर दिया। टेरी जॉर्ज के साथ बातचीत के बाद इसे बाद में मार्च 2005 में स्कॉट के साथ इसे फिर से बनाया जाने लगा। एंड इसकी मेन शूटिंग जो है जुलाई से दिसंबर 2006 तक 5 मंथ तक इसकी शूटिंग चली। एंड इसकी जो शूटिंग है वो न्यूयॉर्क शहर में हुई एंड थाईलैंड में इसकी शूटिंग एंड हुई थी। अमेरिकन गैंगस्टर का प्रीमियम 20 अक्टूबर 2007 को न्यूयॉर्क में हुआ था एंड इसे 2 नवंबर को यूएसए में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जो है क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड इसने इसी के कारण दुनिया भर में $266 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट्स और ल्यूकस के सहित कई लोगों ने कहा कि फिल्म के जो कहानी है, स्टोरी है, उसके साथ बहुत अधिक हमें क्रिएटिव इंडिपेंडेंस मिलती है। एंड 3 जो पूर्व DEA एजेंट हैं उसको यूनिवर्सल पर मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया था कि एजेंसी का जो चित्रण है वो एजेंसी को गिराने के लिए उन्होंने ऐसी मूवी बनाई है, यानी कि उसके इमेज को गिराने के लिए। एंड अमेरिकन गैंगस्टर को 21 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, जिसमें रूबी डी के लिए सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट कल्चर डायरेक्शन, बेस्ट को एक्ट्रेस के लिए 2 ऑस्कर में उनके नॉमिनेशन दिए गए थे, जिन्होंने को एक्टर की भूमिका के लिए एक महिला अभिनेता के द्वारा बेस्ट प्रदर्शन किया और स्क्रीन एस्टल गिल अवार्ड भी जीता। तो यही थी इस मूवी की कहानी। टाइटल तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है एंड इससे रिलेटेड हमें कोई भी कास्टिंग अपडेट या फिर कह सकें कि हमें ऑफिशियली डायरेक्टर्स की अपडेट भी अभी तक नहीं मिली है एंड इसका कोई प्लॉट डिटेल भी अभी तक हमें सामने नहीं आई है। बात करें र्यूमर्स की तो इसका जो सीक्वल है वो 2026 में आने की पूरी पूरी कोशिश है एंड हम मान सकते हैं कि इसका जो सीक्वल है 2007 में भी आ सकता है, क्योंकि इसके अभी तक स्टोरी को लेकर कोई भी स्क्रिप्टिंग भी चालू नहीं हुई है। तो पहले स्क्रिप्टिंग एंड देन प्रोस पोस्ट प्रोडक्शन देन शूटिंग, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। एंड अगर हम बात करें इस की प्रीवियस मूवी के बारे में तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इस जो अमेरिकन गैंगस्टर 2 मूवी है इसकी कहानी क्या होने वाली है या फिर हमें इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल सकती हैं। एंड अमेरिकन गैंगस्टर जो मूवी थी वो 2007 की एक अमेरिकन बायोग्राफिक मूवी थी जो कि एक क्राइम पर हमें फोकस करती हुई दिखती है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट एंड उन्हीं ने इसे प्रोड्यूस किया है। इसकी जो स्टोरी है वो स्टीवन जेलियन ने लिखी है। यह जो फिल्म है वो फ्रैंक ल्यूकस की एक क्राइम करियर पर आधारित है एंड जो कि ला ग्रेन्स नॉर्थ कैरोलिना का एक गैंगस्टर है एंड यह वियतनाम वॉर से लौट रहे हैं एंड अमेरिकन जो सेवा विमान है उन पर हेरोइन की तस्करी करता था, इससे पहले कि उसे न्यूयॉर्क के जासूस रिची रॉबर्ट्स के जो लीडरशिप में काम करने वाली एक टास्क फोर्स के द्वारा हिरासत में लिया गया, यानी कि उसे
कैप्चर कर लिया गया। फिल्म में डेंजल वॉशिंगटन एंड रसेल क्रो ने मेन कैरेक्टर्स को प्ले किया है, साथ ही उनके साथ में कई सारे को एक्टर जैसे टैड लेविन, जॉन ऑर्टेज, जॉश ब्रैलन, चिविटल एजियोफोर एंड रूबी डी, लाइमरी नडाल और क्यूबा गुडिंग जूनियर भी शामिल हैं। एंड इसकी जो कहानी है वो इस गैंगस्टर के आसपास ही घूमती है, एंड इसी के कारण इस मूवी का नाम भी अमेरिकन गैंगस्टर रखा गया है। तो अगर हम बात करें इस मूवी की मेन डिटेल्स के बारे में, तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट, एंड इसकी जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो स्टीवन जैलियन ने लिखा है। एंड यह मूवी मार्क जैकबसन के द्वारा बनाए गए द रिटर्न ऑफ सुपरफ्लाई एक आर्टिकल पर बेस्ड है। एंड इसमें हमें मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं रसेल क्रो एंड डेंजल वॉशिंगटन, इनके साथ चिटेवेल एजियोफोर, क्यूबा गुडिंग जूनियर, जॉश ब्रैलन, टैड लेविन एंड अरमान अंसाटे एंड जॉन ऑर्टेस, जॉन हॉक्स, अर्जेडे, ये हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर की, तो वो हैं हैरिस सवीडे। एंड इस मूवी की जो मेन प्रोडक्शन कंपनीज है वो हैं इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट, स्कॉट डी प्रोडक्शन, एंड इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो है यूनिवर्सल पिक्चर्स। इसकी जो रिलीज डेट है वो यूएसए में रही है 2 नवंबर 2007, एंड इसका रन टाइम रहा है 157 मिनट्स का। इसमें इसकी मेन शूटिंग हमें यूएसए में ही हुई, एंड बजट इसका था $100 मिलियन, एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे $269 मिलियन। इस फिल्म का जो डेवलपमेंट है वो 2000 में शुरू हुआ था, यानी कि देख सकते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के 7 साल पहले, जब यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट ने लूकस के उत्थान और पतन के बारे में न्यूयॉर्क पत्रिका की कहानी के अधिकार खरीदे थे, यानी राइट्स खरीदे थे उन्होंने। 2 साल बाद इसकी जो स्क्रीन प्ले है उसको एक राइटर स्टीवन जैलियन ने स्कॉट को 170 पेजेस की प्लॉट डिटेल्स, मतलब कहें स्क्रीन प्ले, उसके सामने प्रस्तुत किया। एंड इसकी जो मेन प्रोडक्शन है उसकी जो प्लान्स हैं वो बजट के उद्देश्यों के लिए टोरंटो में शुरू होनी थी, हालांकि उत्पादन लास्टली इसका जो प्रोडक्शन है वो लास्टली तो न्यूयॉर्क शहर के एक स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया। एंड फिल्म के बढ़ते बजट के कारण यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इसे 2004 में ही इसके प्रोडक्शन को रद्द कर दिया। टेरी जॉर्ज के साथ बातचीत के बाद इसे बाद में मार्च 2005 में स्कॉट के साथ इसे फिर से बनाया जाने लगा। एंड इसकी मेन शूटिंग जो है जुलाई से दिसंबर 2006 तक 5 मंथ्स तक इसकी शूटिंग चली, एंड इसकी जो शूटिंग है वो न्यूयॉर्क शहर में हुई, एंड थाईलैंड में इसकी शूटिंग एंड हुई थी। अमेरिकन गैंगस्टर का प्रीमियम 20 अक्टूबर 2007 को न्यूयॉर्क में हुआ था, एंड इसे 2 नवंबर को यूएसए में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जो है क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले, एंड इसने इसी के कारण दुनिया भर में $266 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट्स और ल्यूकस के सहित कई लोगों ने कहा कि फिल्म के जो कहानी है, स्टोरी है, उसके साथ बहुत अधिक हमें क्रिएटिव इंडिपेंडेंस मिलती है। एंड 3 जो पूर्व DEA एजेंट हैं उसको यूनिवर्सल पर मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया था कि एजेंसी का जो चित्रण है वो एजेंसी को गिराने के लिए उन्होंने ऐसी मूवी बनाई है, यानी कि उसके इमेज को गिराने के लिए। एंड अमेरिकन गैंगस्टर को 21 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, जिसमें रूबी डी के लिए सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट कल्चर डायरेक्शन, बेस्ट को एक्ट्रेस के लिए 2 ऑस्कर में उनके नॉमिनेशन दिए गए थे, जिन्हें उन्हें को एक्टर की भूमिका के लिए एक महिला अभिनेता के द्वारा
बेस्ट प्रदर्शन किया और स्क्रीन एस्टल गिल अवार्ड भी जीता। तो यही थी इस मूवी की कहानी। टाइटल तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है एंड इससे रिलेटेड हमें कोई भी कास्टिंग अपडेट या फिर कह सकें कि हमें ऑफिशियली डायरेक्टर्स की अपडेट भी अभी तक नहीं मिली है एंड इसका कोई प्लॉट डिटेल भी अभी तक हमें सामने नहीं आई है। बात करें र्यूमर्स की तो इसका जो सीक्वल है वो 2026 में आने की पूरी पूरी कोशिश है एंड हम मान सकते हैं कि इसका जो सीक्वल है 2007 में भी आ सकता है क्योंकि इसके अभी तक स्टोरी को लेकर कोई भी स्क्रिप्टिंग भी चालू नहीं हुई है। तो पहले स्क्रिप्टिंग एंड देन प्रोस पोस्ट प्रोडक्शन देन शूटिंग, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। एंड अगर हम बात करें इस की प्रीवियस मूवी के बारे में तो इससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि इस जो अमेरिकन गैंगस्टर 2 मूवी है इसकी कहानी क्या होने वाली है या फिर हमें इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल सकती हैं। एंड अमेरिकन गैंगस्टर जो मूवी थी वो 2007 की एक अमेरिकन बायोग्राफिक मूवी थी जो कि एक क्राइम पर हमें फोकस करती हुई दिखती है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट एंड उन्हीं ने इसे प्रोड्यूस किया है। इसकी जो स्टोरी है वो स्टीवन जैलियन ने लिखी है। यह जो फिल्म है वो फ्रैंक ल्यूकस की एक क्राइम करियर पर आधारित है एंड जो कि ला ग्रेन्स नॉर्थ कैरोलिना का एक गैंगस्टर है एंड यह वियतनाम वॉर से लौट रहे हैं एंड अमेरिकन जो सेवा विमान है उन पर हेरोइन की तस्करी करता था इससे पहले कि उसे न्यूयॉर्क के जासूस रिची रॉबर्ट्स के जो लीडरशिप में काम करने वाली एक टास्क फोर्स के द्वारा हिरासत में लिया गया यानी कि उसे कैप्चर कर लिया गया। फिल्म में डेंजल वॉशिंगटन एंड रसेल क्रो ने मेन कैरेक्टर्स को प्ले किया है। साथ ही उनके साथ में कई सारे को एक्टर्स जैसे टैड लेविन, जॉन ऑर्टेज, जॉश ब्रैलन, चिविटल एजियोफोर एंड रूबी डी, लाई मरी नडाल और क्यूबा गुडिंग जूनियर भी शामिल हैं। एंड इसकी जो कहानी है वो इस गैंगस्टर के आसपास ही घूमती है एंड इसी के कारण इस मूवी का नाम भी अमेरिकन गैंगस्टर रखा गया है। तो अगर हम बात करें इस मूवी की मेन डिटेल्स के बारे में तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट एंड इसकी जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो स्टीवन जैलियन ने लिखा है एंड यह मूवी मार्क जैकबसन के द्वारा बनाए गए द रिटर्न ऑफ सुपरफ्लाई एक आर्टिकल पर बेस्ड है एंड इसमें हमें मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं रसेल क्रो एंड डेंजल वॉशिंगटन, इनके साथ चिटेवेल एजियोफोर, क्यूबा गुडिंग जूनियर, जॉश ब्रैलन, टैड लेविन एंड अरमान अंसाटे सांटे एंड जॉन ऑर्टिस, जॉन हॉक्स अर्जेडे, ये हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर की तो वो हैं हैरिस सवीडे एंड इस मूवी की जो मेन प्रोडक्शन कंपनीज है वो हैं इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट, स्कॉट डी प्रोडक्शन एंड इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो है यूनिवर्सल पिक्चर्स। इसकी जो रिलीज डेट है वो यूएसए में रही है 2 नवंबर 2007 एंड इस करंट टाइम रहा है 157 मिनट्स का। इसमें इसकी मेन शूटिंग हमें यूएसए में ही हुई एंड बजट इसका था $100 मिलियन एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे $269 मिलियन। इस फिल्म का जो डेवलपमेंट है वो 2000 में शुरू हुआ था यानी कि देख सकते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के 7 साल पहले जब यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट ने ल्यूकस के उत्थान और पतन के बारे में न्यूयॉर्क पत्रिका की कहानी के अधिकार खरीदे थे यानी राइट्स खरीदे थे उन्होंने। 2 साल बाद इसकी जो स्क्रीन प्ले है उसको एक राइटर स्टीवन जैलियन ने स्कॉट को 170 पेजेस की प्लॉट डिटेल्स मतलब कहें स्क्रीन प्ले उसके सामने प्रस्तुत किया एंड इसकी जो मेन प्रोडक्शन है उसकी जो प्लान्स हैं वो बजट के उद्देश्यों के लिए टोरंटो में शुरू होनी थी।
हालांकि उत्पादन लास्टली इसका जो प्रोडक्शन है वो लास्टली तो न्यूयॉर्क शहर के एक स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया। एंड फिल्म के बढ़ते बजट के कारण यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इसे 2004 में ही इसके प्रोडक्शन को रद्द कर दिया। टेरी जॉर्ज के साथ बातचीत के बाद इसे बाद में मार्च 2005 में स्कॉट के साथ इसे फिर से बनाया जाने लगा। एंड इसकी मेन शूटिंग जो है जुलाई से दिसंबर 2006 तक 5 मंथ तक इसकी शूटिंग चली। एंड इसकी जो शूटिंग है वो न्यूयॉर्क शहर में हुई एंड थाईलैंड में इसकी शूटिंग एंड हुई थी। अमेरिकन गैंगस्टर का प्रीमियम 20 अक्टूबर 2007 को न्यूयॉर्क में हुआ था एंड इसे 2 नवंबर को यूएसए में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जो है क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड इसने इसी के कारण दुनिया भर में $266 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट्स और ल्यूकस के सहित कई लोगों ने कहा कि फिल्म के जो कहानी है स्टोरी है उसके साथ बहुत अधिक हमें क्रिएटिव इंडिपेंडेंस मिलती है। एंड 3 जो पूर्व DEA एजेंट हैं उसको यूनिवर्सल पर मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया था कि एजेंसी का जो चित्रण है वो एजेंसी को गिराने के लिए उन्होंने ऐसी मूवी बनाई है, यानी कि उसके इमेज को गिराने के लिए। एंड अमेरिकन गैंगस्टर को 21 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था जिसमें रूबी डी के लिए सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट कल्चर डायरेक्शन बेस्ट को एक्ट्रेस के लिए 2 ऑस्कर में उनके नॉमिनेशन दिए गए थे जिन्होंने को एक्टर की भूमिका के लिए एक महिला अभिनेता के द्वारा बेस्ट प्रदर्शन किया और स्क्रीन एस्टल गिल अवार्ड भी जीता। तो यही थी इस मूवी की कहानी। टाइटल तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है एंड इससे रिलेटेड हमें कोई भी कास्टिंग अपडेट या फिर कह सकें कि हमें ऑफिशियली डायरेक्टर्स की अपडेट भी अभी तक नहीं मिली है एंड इसका कोई प्लॉट डिटेल भी अभी तक हमें सामने नहीं आई है। बात करें र्यूमर्स की तो इसका जो सीक्वल है वो 2026 में आने की पूरी पूरी कोशिश है एंड हम मान सकते हैं कि इसका जो सीक्वल है 2007 में भी आ सकता है क्योंकि इसके अभी तक स्टोरी को लेकर कोई भी स्क्रिप्टिंग भी चालू नहीं हुई है। तो पहले स्क्रिप्टिंग एंड देन प्रोस पोस्ट प्रोडक्शन देन शूटिंग, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। एंड अगर हम बात करें इस की प्रीवियस मूवी के बारे में तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इस जो अमेरिकन गैंगस्टर 2 मूवी है इसकी कहानी क्या होने वाली है या फिर हमें इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल सकती हैं। एंड अमेरिकन गैंगस्टर जो मूवी थी वो 2007 की एक अमेरिकन बायोग्राफिक मूवी थी जो कि एक क्राइम पर हमें फोकस करती हुई दिखती है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट एंड उन्हीं ने इसे प्रोड्यूस किया है। इसकी जो स्टोरी है वो स्टीवन जैलियन ने लिखी है। यह जो फिल्म है वो फ्रैंक ल्यूकस की एक क्राइम करियर पर आधारित है एंड जो कि ला ग्रेन्स नॉर्थ कैरोलिना का एक गैंगस्टर है एंड यह वियतनाम वॉर से लौट रहे हैं एंड अमेरिकन जो सेवा विमान है उन पर हेरोइन की तस्करी करता था इससे पहले कि उसे न्यूयॉर्क के जासूस रिची रॉबर्ट्स के जो लीडरशिप में काम करने वाली एक टास्क फोर्स के द्वारा हिरासत में लिया गया, यानी कि उसे कैप्चर कर लिया गया। फिल्म में डेंजेल वॉशिंगटन एंड रसेल क्रो ने मेन कैरेक्टर्स को प्ले किया है। साथ ही उनके साथ में कई सारे को एक्टर जैसे टैड लेवन, जॉन ऑर्टेज, जॉश ब्रैलन, चिविटल एजियोफोर एंड रूबी डी, लाई मरी नडाल और क्यूबा गुडिंग जूनियर भी शामिल हैं। एंड इसकी जो कहानी है वो इस गैंगस्टर के आसपास ही घूमती है एंड इसी के कारण इस मूवी का नाम भी अमेरिकन गैंगस्टर रखा गया है। तो अगर हम बात करें इस मूवी की मेन डिटेल्स के बारे में तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट एंड इसकी जो
स्क्रीन प्ले लिखा है वो स्टीवन जैलियन ने लिखा है, एंड यह मूवी मार्क जैकबसन के द्वारा बनाए गए द रिटर्न ऑफ सुपरफ्लाई एक आर्टिकल पर बेस्ड है। एंड इसमें हमें मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं रसेल क्रो एंड डैनजल वॉशिंगटन, इनके साथ चिटेवेल एज यू फोर, क्यूबा गुडिंग जूनियर, जॉश ब्रैलन, टैड लेविन एंड अरमान अंसाटे सांटे एंड जॉन ऑर्टिस, जॉन हॉक्स अर्जेडे, ये हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर की तो वो हैं हैरिस सवीडे, एंड इस मूवी की जो मेन प्रोडक्शन कंपनीज है वो हैं इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट, स्कॉट डी प्रोडक्शन, एंड इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो है यूनिवर्सल पिक्चर्स। इसकी जो रिलीज डेट है वो USA में रही है 2 November 2007, एंड इसका रन टाइम रहा है 157 मिनट्स का। इसमें इसकी मेन शूटिंग हमें USA में ही हुई, एंड बजट इसका था $100 million, एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे $269 million। इस फिल्म का जो डेवलपमेंट है वो 2000 में शुरू हुआ था, यानी कि देख सकते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के 7 साल पहले, जब यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट ने लूकस के उत्थान और पतन के बारे में न्यूयॉर्क पत्रिका की कहानी के अधिकार खरीदे थे, यानी राइट्स खरीदे थे उन्होंने। 2 साल बाद इसकी जो स्क्रीन प्ले है उसको एक राइटर स्टीवन जैलियन ने स्कॉट को 170 pages की प्लॉट डिटेल्स, मतलब कहें स्क्रीन प्ले, उसके सामने प्रस्तुत किया। एंड इसकी जो मेन प्रोडक्शन है उसकी जो प्लान्स हैं वो बजट के उद्देश्यों के लिए टोरंटो में शुरू होनी थी, हालांकि उत्पादन लास्टली इसका जो प्रोडक्शन है वो लास्टली तो न्यूयॉर्क शहर के एक स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया। एंड फिल्म के बढ़ते बजट के कारण यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इसे 2004 में ही इसके प्रोडक्शन को रद्द कर दिया। टेरी जॉर्ज के साथ बातचीत के बाद इसे बाद में मार्च 2005 में स्कॉट के साथ इसे फिर से बनाया जाने लगा। एंड इसकी मेन शूटिंग जो है जुलाई से December 2006 तक 5 months तक इसकी शूटिंग चली, एंड इसकी जो शूटिंग है वो न्यूयॉर्क शहर में हुई, एंड थाईलैंड में इसकी शूटिंग एंड हुई थी। अमेरिकन गैंगस्टर का प्रीमियम 20 October 2007 को न्यूयॉर्क में हुआ था, एंड इसे 2 November को USA में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जो है क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले, एंड इसने इसी के कारण दुनिया भर में $266 million की कमाई की। रॉबर्ट्स और ल्यूकस के सहित कई लोगों ने कहा कि फिल्म के जो कहानी है, स्टोरी है, उसके साथ बहुत अधिक हमें क्रिएटिव इंडिपेंडेंस मिलती है। एंड 3 जो पूर्व DEA एजेंट हैं उसको यूनिवर्सल पर मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया था कि एजेंसी का जो चित्रण है वो एजेंसी को गिराने के लिए उन्होंने ऐसी मूवी बनाई है, यानी कि उसके इमेज को गिराने के लिए। एंड अमेरिकन गैंगस्टर को 21 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, जिसमें रूबी डी के लिए सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट कल्चर डायरेक्शन, बेस्ट को एक्ट्रेस के लिए 2 ऑस्कर में उनके नॉमिनेशन दिए गए थे, जिन्हें उन्हें को एक्टर की भूमिका के लिए एक महिला अभिनेता के द्वारा बेस्ट प्रदर्शन किया, और स्क्रीन एस्टल गिल अवार्ड भी जीता। तो यही थी इस मूवी की कहानी। टाइटल तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, एंड इससे रिलेटेड हमें कोई भी कास्टिंग अपडेट या फिर कह सकें कि हमें ऑफिशियली डायरेक्टर्स की अपडेट भी अभी तक नहीं मिली है, एंड इसका कोई प्लॉट डिटेल भी अभी तक हमें सामने नहीं आई है। बात करें र्यूमर्स की तो इसका जो सीक्वल है वो 2026 में आने की पूरी पूरी कोशिश है, एंड हम मान सकते हैं कि इसका जो सीक्वल है 2007 में भी आ सकता है, क्योंकि इसके अभी तक स्टोरी को लेकर
कोई भी स्क्रिप्टिंग भी चालू नहीं हुई है। तो पहले स्क्रिप्टिंग एंड देन प्रोस पोस्ट प्रोडक्शन देन शूटिंग, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। एंड अगर हम बात करें इस की प्रीवियस मूवी के बारे में, तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इस जो अमेरिकन गैंगस्टर 2 मूवी है, इसकी कहानी क्या होने वाली है या फिर हमें इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल सकती हैं। एंड अमेरिकन गैंगस्टर जो मूवी थी वो 2007 की एक अमेरिकन बायोग्राफिक मूवी थी, जो कि एक क्राइम पर हमें फोकस करती हुई दिखती है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट, एंड उन्हीं ने इसे प्रोड्यूस किया है। इसकी जो स्टोरी है वो स्टीवन जैलियन ने लिखी है। यह जो फिल्म है वो फ्रैंक ल्यूकस की एक क्राइम करियर पर आधारित है, एंड जो कि ला ग्रेन्स नॉर्थ कैरोलिना का एक गैंगस्टर है, एंड यह वियतनाम वॉर से लौट रहे हैं, एंड अमेरिकन जो सेवा विमान है उन पर हेरोइन की तस्करी करता था, इससे पहले कि उसे न्यूयॉर्क के जासूस रिची रॉबर्ट्स के जो लीडरशिप में काम करने वाली एक टास्क फोर्स के द्वारा हिरासत में लिया गया, यानी कि उसे कैप्चर कर लिया गया। फिल्म में डेंजल वॉशिंगटन एंड रसेल क्रो ने मेन कैरेक्टर्स को प्ले किया है, साथ ही उनके साथ में कई सारे को एक्टर जैसे टैड लेवन, जॉन ऑर्टेज, जॉश ब्रैलन, चिविटल एजियोफोर एंड रूबी डी, लाई मरी नडाल और क्यूबा गुडिंग जूनियर भी शामिल हैं। एंड इसकी जो कहानी है वो इस गैंगस्टर के आसपास ही घूमती है, एंड इसी के कारण इस मूवी का नाम भी अमेरिकन गैंगस्टर रखा गया है। तो अगर हम बात करें इस मूवी की मेन डिटेल्स के बारे में, तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट, एंड इसकी जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो स्टीवन जैलियन ने लिखा है। एंड यह मूवी मार्क जैकबसन के द्वारा बनाए गए द रिटर्न ऑफ सुपरफ्लाई एक आर्टिकल पर बेस्ड है। एंड इसमें हमें मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं रसेल क्रो एंड डेंजल वॉशिंगटन, इनके साथ चिटेवेल एजियोफोर, क्यूबा गुडिंग जूनियर, जॉश ब्रैलन, टैड लेवन एंड अरमान अंसाटे सांटे एंड जॉन ऑर्टिस, जॉन हॉक्स अर्जेडे, ये हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर की, तो वो हैं हैरिस सवीडे, एंड इस मूवी की जो मेन प्रोडक्शन कंपनीज है वो हैं इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट, स्कॉट डी प्रोडक्शन, एंड इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो है यूनिवर्सल पिक्चर्स। इसकी जो रिलीज डेट है वो यूएसए में रही है 2 नवंबर 2007, एंड इस करंट टाइम रहा है 157 मिनट्स का। इसमें इसकी मेन शूटिंग हमें यूएसए में ही हुई, एंड बजट इसका था $100 मिलियन, एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे $269 मिलियन। इस फिल्म का जो डेवलपमेंट है वो 2000 में शुरू हुआ था, यानी कि देख सकते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के 7 साल पहले, जब यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट ने ल्यूकस के उत्थान और पतन के बारे में न्यूयॉर्क पत्रिका की कहानी के अधिकार खरीदे थे, यानी राइट्स खरीदे थे उन्होंने। 2 साल बाद इसकी जो स्क्रीन प्ले है उसको एक राइटर स्टीवन जैलियन ने स्कॉट को 170 पेजेस की प्लॉट डिटेल्स, मतलब कहें स्क्रीन प्ले, उसके सामने प्रस्तुत किया। एंड इसकी जो मेन प्रोडक्शन है उसकी जो प्लान्स हैं वो बजट के उद्देश्यों के लिए टोरंटो में शुरू होनी थी, हालांकि उत्पादन लास्टली इसका जो प्रोडक्शन है वो लास्टली तो न्यूयॉर्क शहर के एक स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया। एंड फिल्म के बढ़ते बजट के कारण यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इसे 2004 में ही इसके प्रोडक्शन को रद्द कर दिया। टेरी जॉर्ज के साथ बातचीत के बाद इसे बाद में मार्च 2005 में स्कॉट के साथ इसे फिर से बनाया जाने लगा। एंड इसकी मेन शूटिंग जो है जुलाई से दिसंबर 2006 तक 5 मंथ तक इसकी शूटिंग चली, एंड इसकी जो शूटिंग है वो न्यूयॉर्क शहर में हुई, एंड थाईलैंड में इसकी शूटिंग एंड हुई थी। अमेरिकन गैंगस्टर का प्रीमियम
20 अक्टूबर 2007 को न्यूयॉर्क में हुआ था एंड इसे 2 नवंबर को यूएसए में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जो है क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड इसने इसी के कारण दुनिया भर में $266 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट्स और ल्यूकस के सहित कई लोगों ने कहा कि फिल्म के जो कहानी है, स्टोरी है, उसके साथ बहुत अधिक हमें क्रिएटिव इंडिपेंडेंस मिलती है एंड 3 जो पूर्व DEA एजेंट हैं उसको यूनिवर्सल पर मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया था कि एजेंसी का जो चित्रण है वो एजेंसी को गिराने के लिए उन्होंने ऐसी मूवी बनाई है, यानी कि उसके इमेज को गिराने के लिए। एंड अमेरिकन गैंगस्टर को 21 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था जिसमें रूबी डी के लिए सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट कल्चर डायरेक्शन, बेस्ट को एक्ट्रेस के लिए 2 ऑस्कर में उनके नॉमिनेशन दिए गए थे जिन्हें उन्हें को एक्टर की भूमिका के लिए एक महिला अभिनेता के द्वारा बेस्ट प्रदर्शन किया और स्क्रीन एस्टल गिल अवार्ड भी जीता। तो यही थी इस मूवी की कहानी। टाइटल तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है एंड इससे रिलेटेड हमें कोई भी कास्टिंग अपडेट या फिर कह सकें कि हमें ऑफिशियली डायरेक्टर्स की अपडेट भी अभी तक नहीं मिली है एंड इसका कोई प्लॉट डिटेल भी अभी तक हमें सामने नहीं आई है। बात करें र्यूमर्स की तो इसका जो सीक्वल है वो 2026 में आने की पूरी कोशिश है एंड हम मान सकते हैं कि इसका जो सीक्वल है 2007 में भी आ सकता है क्योंकि इसके अभी तक स्टोरी को लेकर कोई भी स्क्रिप्टिंग भी चालू नहीं हुई है। तो पहले स्क्रिप्टिंग एंड देन प्रोस पोस्ट प्रोडक्शन देन शूटिंग, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। एंड अगर हम बात करें इस की प्रीवियस मूवी के बारे में तो इससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि इस जो अमेरिकन गैंगस्टर 2 मूवी है इसकी कहानी क्या होने वाली है या फिर हमें इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल सकती हैं। एंड अमेरिकन गैंगस्टर जो मूवी थी वो 2007 की एक अमेरिकन बायोग्राफिक मूवी थी जो कि एक क्राइम पर हमें फोकस करती हुई दिखती है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट एंड उन्हीं ने इसे प्रोड्यूस किया है। इसकी जो स्टोरी है वो स्टीवन जैलियन ने लिखी है। यह जो फिल्म है वो फ्रैंक ल्यूकस की एक क्राइम करियर पर आधारित है एंड जो कि ला ग्रेन्स नॉर्थ कैरोलिना का एक गैंगस्टर है एंड यह वियतनाम वॉर से लौट रहे हैं एंड अमेरिकन जो सेवा विमान है उन पर हेरोइन की तस्करी करता था इससे पहले कि उसे न्यूयॉर्क के जासूस रिची रॉबर्ट्स के जो लीडरशिप में काम करने वाली एक टास्क फोर्स के द्वारा हिरासत में लिया गया, यानी कि उसे कैप्चर कर लिया गया। फिल्म में डेंजल वॉशिंगटन एंड रसेल क्रो ने मेन कैरेक्टर्स को प्ले किया है। साथ ही उनके साथ में कई सारे को एक्टर जैसे टैड लेवन, जॉन ऑर्टेज, जॉश ब्रैलन, चिविटल एजियोफोर एंड रूबी डी, लाइव मरी नडाल और क्यूबा गुडिंग जूनियर भी शामिल हैं। एंड इसकी जो कहानी है वो इस गैंगस्टर के आसपास ही घूमती है एंड इसी के कारण इस मूवी का नाम भी अमेरिकन गैंगस्टर रखा गया है। तो अगर हम बात करें इस मूवी की मेन डिटेल्स के बारे में तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट एंड इसकी जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो स्टीवन जैलियन ने लिखा है एंड यह मूवी मार्क जैकबसन के द्वारा बनाए गए द रिटर्न ऑफ सुपर फ्लाई एक आर्टिकल पर बेस्ड है एंड इसमें हमें मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं रसेल क्रो एंड डेंजल वॉशिंगटन, इनके साथ चिटेवेल एजियोफोर, क्यूबा गुडिंग जूनियर, जॉश ब्रैलन, टैड लेवन एंड अरमान अंसाटे सांटे एंड जॉन ऑर्टिस, जॉन हॉक्स अर्जेडे, ये हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर की तो वो हैं हैरिस
सवीदे। एंड इस मूवी की जो मेन प्रोडक्शन कंपनीज है वो है इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट, स्कॉट डी प्रोडक्शन, एंड इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो है यूनिवर्सल पिक्चर्स। इसकी जो रिलीज डेट है वो यूएसए में रही है 2 नवंबर 2007, एंड इस करंट टाइम रहा है 157 मिनट्स का। इसमें इसकी मेन शूटिंग हमें यूएसए में ही हुई, एंड बजट इसका था $100 मिलियन, एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे $269 मिलियन। इस फिल्म का जो डेवलपमेंट है वो 2000 में शुरू हुआ था, यानी कि देख सकते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के 7 साल पहले, जब यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट ने लूकस के उत्थान और पतन के बारे में न्यूयॉर्क पत्रिका की कहानी के अधिकार खरीदे थे, यानी राइट्स खरीदे थे उन्होंने। 2 साल बाद इसकी जो स्क्रीन प्ले है उसको एक राइटर स्टीवन जेलियन ने स्कॉट को 170 पेजेस की प्लॉट डिटेल्स, मतलब कहें स्क्रीन प्ले, उसके सामने प्रस्तुत किया। एंड इसकी जो मेन प्रोडक्शन है उसकी जो प्लान्स हैं वो बजट के उद्देश्यों के लिए टोरंटो में शुरू होनी थी, हालांकि उत्पादन लास्टली इसका जो प्रोडक्शन है वो लास्टली तो न्यूयॉर्क शहर के एक स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया। एंड फिल्म के बढ़ते बजट के कारण यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इसे 2004 में ही इसके प्रोडक्शन को रद्द कर दिया। टेरी जॉर्ज के साथ बातचीत के बाद इसे बाद में मार्च 2005 में स्कॉट के साथ इसे फिर से बनाया जाने लगा। एंड इसकी मेन शूटिंग जो है जुलाई से दिसंबर 2006 तक 5 मंथ्स तक इसकी शूटिंग चली, एंड इसकी जो शूटिंग है वो न्यूयॉर्क शहर में हुई, एंड थाईलैंड में इसकी शूटिंग एंड हुई थी। अमेरिकन गैंगस्टर का प्रीमियम 20 अक्टूबर 2007 को न्यूयॉर्क में हुआ था, एंड इसे 2 नवंबर को यूएसए में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जो है क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले, एंड इसने इसी के कारण दुनिया भर में $266 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट्स और ल्यूकस के सहित कई लोगों ने कहा कि फिल्म के जो कहानी है, स्टोरी है, उसके साथ बहुत अधिक हमें क्रिएटिव इंडिपेंडेंस मिलती है। एंड 3 जो पूर्व DEA एजेंट हैं उसको यूनिवर्सल पर मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया था कि एजेंसी का जो चित्रण है वो एजेंसी को गिराने के लिए उन्होंने ऐसी मूवी बनाई है, यानी कि उसके इमेज को गिराने के लिए। एंड अमेरिकन गैंगस्टर को 21 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, जिसमें रूबी डी के लिए सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट कल्चर डायरेक्शन, बेस्ट को एक्ट्रेस के लिए 2 ऑस्कर में उनके नॉमिनेशन दिए गए थे, जिन्हें उन्हें को एक्टर की भूमिका के लिए एक महिला अभिनेता के द्वारा बेस्ट प्रदर्शन किया, और स्क्रीन एस्टल गिल अवार्ड भी जीता। तो यही थी इस मूवी की कहानी। टाइटल तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, एंड इससे रिलेटेड हमें कोई भी कास्टिंग अपडेट या फिर कह सकें कि हमें ऑफिशियली डायरेक्टर्स की अपडेट भी अभी तक नहीं मिली है, एंड इसका कोई प्लॉट डिटेल भी अभी तक हमें सामने नहीं आई है। बात करें र्यूमर्स की तो इसका जो सीक्वल है वो 2026 में आने की पूरी कोशिश है, एंड हम मान सकते हैं कि इसका जो सीक्वल है 2007 में भी आ सकता है, क्योंकि इसके अभी तक स्टोरी को लेकर कोई भी स्क्रिप्टिंग भी चालू नहीं हुई है। तो पहले स्क्रिप्टिंग एंड देन प्रोस पोस्ट प्रोडक्शन देन शूटिंग, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। एंड अगर हम बात करें इस की प्रीवियस मूवी के बारे में, तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इस जो अमेरिकन गैंगस्टर 2 मूवी है इसकी कहानी क्या होने वाली है, या फिर हमें इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल सकती हैं। एंड अमेरिकन गैंगस्टर जो मूवी थी वो 2007 की एक अमेरिकन बायोग्राफिक मूवी थी, जो कि एक क्राइम पर हमें फोकस करती हुई दिखती है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट, एंड उन्हीं ने इसे प्रोड्यूस किया है।
इसकी जो स्टोरी है वो स्टीवन जैलियन ने लिखी है। यह जो फिल्म है वो फ्रैंक ल्यूकस की एक क्राइम करियर पर आधारित है एंड जो कि ला ग्रेन्स नॉर्थ कैरोलिना का एक गैंगस्टर है एंड यह वियतनाम वॉर से लौट रहे हैं एंड अमेरिकन जो सेवा विमान है उन पर हेरोइन की तस्करी करता था इससे पहले कि उसे न्यूयॉर्क के जासूस रिची रॉबर्ट्स के जो लीडरशिप में काम करने वाली एक टास्क फोर्स के द्वारा हिरासत में लिया गया यानी कि उसे कैप्चर कर लिया गया। फिल्म में डेंजल वॉशिंगटन एंड रसेल क्रो ने मेन कैरेक्टर्स को प्ले किया है, साथ ही उनके साथ में कई सारे को एक्टर जैसे टैड लेवन, जॉन ऑर्टेज, जॉश ब्रैलन, चिविटल एजियोफोर एंड रूबी डी, लाइमरी नडाल और क्यूबा गुडिंग जूनियर भी शामिल हैं। एंड इसकी जो कहानी है वो इस गैंगस्टर के आसपास ही घूमती है एंड इसी के कारण इस मूवी का नाम भी अमेरिकन गैंगस्टर रखा गया है। तो अगर हम बात करें इस मूवी की मेन डिटेल्स के बारे में तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट एंड इसकी जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो स्टीवन जैलियन ने लिखा है एंड यह मूवी मार्क जैकबसन के द्वारा बनाए गए द रिटर्न ऑफ सुपरफ्लाई एक आर्टिकल पर बेस्ड है एंड इसमें हमें मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं रसेल क्रो एंड डेंजल वॉशिंगटन, इनके साथ चिटेवेल एजियोफोर, क्यूबा गुडिंग जूनियर, जॉश ब्रैलन, टैड लेवन एंड अरमान अंसाटे एंड जॉन ऑर्टिस, जॉन हॉक्स, अर्जेडे, ये हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर की तो वो हैं हैरिस सवीडे एंड इस मूवी की जो मेन प्रोडक्शन कंपनीज है वो हैं इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट, स्कॉट डी प्रोडक्शन एंड इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो है यूनिवर्सल पिक्चर्स। इसकी जो रिलीज डेट है वो यूएसए में रही है 2 नवंबर 2007 एंड इसका रन टाइम रहा है 157 मिनट्स का। इसमें इसकी मेन शूटिंग हमें यूएसए में ही हुई एंड बजट इसका था $100 मिलियन एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे $269 मिलियन। इस फिल्म का जो डेवलपमेंट है वो 2000 में शुरू हुआ था यानी कि देख सकते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के 7 साल पहले जब यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट ने ल्यूकस के उत्थान और पतन के बारे में न्यूयॉर्क पत्रिका की कहानी के अधिकार खरीदे थे यानी राइट्स खरीदे थे उन्होंने। 2 साल बाद इसकी जो स्क्रीन प्ले है उसको एक राइटर स्टीवन जैलियन ने स्कॉट को 170 पेजेस की प्लॉट डिटेल्स मतलब कहें स्क्रीन प्ले उसके सामने प्रस्तुत किया एंड इसकी जो मेन प्रोडक्शन है उसकी जो प्लान्स हैं वो बजट के उद्देश्यों के लिए टोरंटो में शुरू होनी थी, हालांकि उत्पादन लास्टली इसका जो प्रोडक्शन है वो लास्टली तो न्यूयॉर्क शहर के एक स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया एंड फिल्म के बढ़ते बजट के कारण यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इसे 2004 में ही इसके प्रोडक्शन को रद्द कर दिया। टेरी जॉर्ज के साथ बातचीत के बाद इसे बाद में मार्च 2005 में स्कॉट के साथ इसे फिर से बनाया जाने लगा एंड इसकी मेन शूटिंग जो है जुलाई से दिसंबर 2006 तक 5 मंथ्स तक इसकी शूटिंग चली एंड इसकी जो शूटिंग है वो न्यूयॉर्क शहर में हुई एंड थाईलैंड में इसकी शूटिंग एंड हुई थी। अमेरिकन गैंगस्टर का प्रीमियम 20 अक्टूबर 2007 को न्यूयॉर्क में हुआ था एंड इसे 2 नवंबर को यूएसए में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जो है क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड इसने इसी के कारण दुनिया भर में $266 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट्स और ल्यूकस के सहित कई लोगों ने कहा कि फिल्म के जो कहानी है स्टोरी है उसके साथ बहुत अधिक हमें क्रिएटिव इंडिपेंडेंस मिलती है एंड 3 जो पूर्व DEA एजेंट हैं उसको यूनिवर्सल पर मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया था कि एजेंसी का जो चित्रण है वो
यूनिवर्सिटी एजेंसी को गिराने के लिए उन्होंने ऐसी मूवी बनाई है, यानी कि उसके इमेज को गिराने के लिए। एंड अमेरिकन गैंगस्टर को 21 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, जिसमें रूबी डी के लिए सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट कल्चर डायरेक्शन, बेस्ट को एक्ट्रेस के लिए 2 ऑस्कर में उनके नॉमिनेशन दिए गए थे, जिन्हें उन्हें को एक्टर की भूमिका के लिए एक महिला अभिनेता के द्वारा बेस्ट प्रदर्शन किया और स्क्रीन एस्टल गिल अवार्ड भी जीता। तो यही थी इस मूवी की कहानी। टाइटल तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, एंड इससे रिलेटेड हमें कोई भी कास्टिंग अपडेट या फिर कह सकें कि हमें ऑफिशियली डायरेक्टर्स की अपडेट भी अभी तक नहीं मिली है, एंड इसका कोई प्लॉट डिटेल भी अभी तक हमें सामने नहीं आई है। बात करें र्यूमर्स की, तो इसका जो सीक्वल है वो 2026 में आने की पूरी पूरी कोशिश है, एंड हम मान सकते हैं कि इसका जो सीक्वल है 2007 में भी आ सकता है, क्योंकि इसके अभी तक स्टोरी को लेकर कोई भी स्क्रिप्टिंग भी चालू नहीं हुई है। तो पहले स्क्रिप्टिंग एंड देन प्रोस पोस्ट प्रोडक्शन देन शूटिंग, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। एंड अगर हम बात करें इस की प्रीवियस मूवी के बारे में, तो इससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि इस जो अमेरिकन गैंगस्टर 2 मूवी है, इसकी कहानी क्या होने वाली है या फिर हमें इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल सकती हैं। एंड अमेरिकन गैंगस्टर जो मूवी थी वो 2007 की एक अमेरिकन बायोग्राफिक मूवी थी, जो कि एक क्राइम पर हमें फोकस करती हुई दिखती है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट, एंड उन्हीं ने इसे प्रोड्यूस किया है। इसकी जो स्टोरी है वो स्टीवन जैलियन ने लिखी है। यह जो फिल्म है वो फ्रैंक ल्यूकस की एक क्राइम करियर पर आधारित है, एंड जो कि ला ग्रेन्स नॉर्थ कैरोलिना का एक गैंगस्टर है, एंड यह वियतनाम वॉर से लौट रहे हैं, एंड अमेरिकन जो सेवा विमान है उन पर हेरोइन की तस्करी करता था, इससे पहले कि उसे न्यूयॉर्क के जासूस रिची रॉबर्ट्स के जो लीडरशिप में काम करने वाली एक टास्क फोर्स के द्वारा हिरासत में लिया गया, यानी कि उसे कैप्चर कर लिया गया। फिल्म में डेंजल वॉशिंगटन एंड रसेल क्रो ने मेन कैरेक्टर्स को प्ले किया है, साथ ही उनके साथ में कई सारे को एक्टर जैसे टैड लेविन, जॉन ऑर्टेज, जॉश ब्रैलन, शिवेटल एजियोफोर एंड रूबी डी, लाई मरी नडाल और क्यूबा गुडिंग जूनियर भी शामिल हैं। एंड इसकी जो कहानी है वो इस गैंगस्टर के आसपास ही घूमती है, एंड इसी के कारण इस मूवी का नाम भी अमेरिकन गैंगस्टर रखा गया है। तो अगर हम बात करें इस मूवी की मेन डिटेल्स के बारे में, तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रिडले स्कॉट, एंड इसकी जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो स्टीवन जैलियन ने लिखा है, एंड यह मूवी मार्क जैकबसन के द्वारा बनाए गए द रिटर्न ऑफ सुपरफ्लाई एक आर्टिकल पर बेस्ड है। एंड इसमें हमें मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं रसेल क्रो एंड डेंजल वॉशिंगटन, इनके साथ चिटेवेल एजियोफोर, क्यूबा गुडिंग जूनियर, जॉश ब्रैलन, टैड लेविन एंड अरमान अंसाटे सांटे एंड जॉन ऑर्टिस, जॉन हॉक्स अर्जेडे, ये हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर की, तो वो हैं हैरिस सवीडे, एंड इस मूवी की जो मेन प्रोडक्शन कंपनीज है वो हैं इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट, स्कॉट डी प्रोडक्शन, एंड इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो है यूनिवर्सल पिक्चर्स। इसकी जो रिलीज डेट है वो यूएसए में रही है 2 नवंबर 2007, एंड इसका रन टाइम रहा है 157 मिनट्स का। इसमें इसकी मेन शूटिंग हमें यूएसए में ही हुई, एंड बजट इसका था $100 मिलियन, एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे $269 मिलियन। इस फिल्म का जो डेवलपमेंट है वो 2000 में शुरू हुआ था, यानी कि देख सकते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के 7 साल पहले।
जब यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट ने ल्यूकस के उत्थान और पतन के बारे में न्यूयॉर्क पत्रिका की कहानी के अधिकार खरीदे थे, यानी राइट्स खरीदे थे उन्होंने। दो साल बाद इसकी जो स्क्रीन प्ले है उसको एक राइटर स्टीवन जेलियन ने स्कॉट को 170 पेजेस की प्लॉट डिटेल्स, मतलब कहें स्क्रीन प्ले, उसके सामने प्रस्तुत किया। एंड इसकी जो मेन प्रोडक्शन है उसकी जो प्लान्स हैं वो बजट के उद्देश्यों के लिए टोरंटो में शुरू होनी थी। हालांकि उत्पादन लास्टली इसका जो प्रोडक्शन है वो लास्टली तो न्यूयॉर्क शहर के एक स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया। एंड फिल्म के बढ़ते बजट के कारण यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इसे 2004 में ही इसके प्रोडक्शन को रद्द कर दिया। टेरी जॉर्ज के साथ बातचीत के बाद इसे बाद में मार्च 2005 में स्कॉट के साथ इसे फिर से बनाया जाने लगा। एंड इसकी मेन शूटिंग जो है जुलाई से दिसंबर 2006 तक 5 मंथ तक इसकी शूटिंग चली। एंड इसकी जो शूटिंग है वो न्यूयॉर्क शहर में हुई एंड थाईलैंड में इसकी शूटिंग एंड हुई थी। अमेरिकन गैंगस्टर का प्रीमियम 20 अक्टूबर 2007 को न्यूयॉर्क में हुआ था एंड इसे 2 नवंबर को यूएसए में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जो है क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड इसने इसी के कारण दुनिया भर में $266 मिलियन की कमाई की। रॉबर्ट्स और ल्यूकस के सहित कई लोगों ने कहा कि फिल्म के जो कहानी है, स्टोरी है, उसके साथ बहुत अधिक हमें क्रिएटिव इंडिपेंडेंस मिलती है। एंड 3 जो पूर्व DEA एजेंट हैं उसको यूनिवर्सल पर मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया था कि एजेंसी का जो चित्रण है वो एजेंसी को गिराने के लिए उन्होंने ऐसी मूवी बनाई है, यानी कि उसके इमेज को गिराने के लिए। एंड अमेरिकन गैंगस्टर को 21 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था जिसमें रूबी डी के लिए सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट कल्चर डायरेक्शन, बेस्ट को एक्ट्रेस के लिए 2 ऑस्कर में उनके नॉमिनेशन दिए गए थे, जिन्हें उन्हें को एक्टर की भूमिका के लिए एक महिला अभिनेता के द्वारा बेस्ट प्रदर्शन किया और स्क्रीन एस्टल गिल अवार्ड भी जीता। तो यही थी इस मूवी की कहानी। एंड अमेरिकन गैंगस्टर 2 मूवी से रिलेटेड अभी तक कोई और ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आई है। अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें।